फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे, जो है एग्जांपल नंबर 9। आपको सॉरी लेक्चर नंबर 9, एग्जांपल नंबर 7, उसमें जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कल भी समझाया था कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपको सबसे पहले फंक्शन क्या है, कौन फंक्शन की वैल्यू क्या है वो आपको पता लगना चाहिए। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये फंक्शन की वैल्यू है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रूव दैट में क्या दी है। तो ये है LHS, ये है RHS। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले LHS में आपको दिया है f of 2x upon 1 plus x square, f of 2x upon 1 plus x square। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू मींस ये दिस होल वैल्यू आपको कहां लिख पुट करनी है, इधर x में पुट करनी है और एक इधर x में पुट करनी है। दोनों x में आपको ये वैल्यू रख देनी है। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, लॉग, अब मैं लिखूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस x के बदले में लिखूंगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस x, तो 1 प्लस x के बदले लिखूंगा फिर से यही कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब मैं करूंगा LCM। LCM में हम क्या करते हैं कि 1 का जो डिनोमिनेटर है वो अभी 1 है दोनों साइड, दोनों जगह। डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना है, यानी ये 1 है तो इसके बदले क्या आना चाहिए, 1 प्लस x स्क्वायर। वो कब होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहां भी ऐसा, अगर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसी तरह से नीचे यहां भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना हो तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या स्टेप बनेगा, सो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है। नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, फिर यहां नीचे आते इधर भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, सो प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हमारा आया। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि जब नीचे का टर्म सेम होता है तो आपको एक ही बार उसको लिखना है। तो हम लिखते हैं अभी, चलो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हमको फिल करना है। देखो ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड है उसको एक ही बार लिखूंगा। क्या बच गया अभी, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मैं लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर। उसी तरह से नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो उसे कॉमन लिखेंगे हम, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा
प्लस का साइन और 2x बचा। अब अगर यहां पे देखो मैंने माइनस साइन था तो एक ही टर्म था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल x प्लस वन अपॉन आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैं 2x लिया, मुझे सिर्फ समझाना है आपको, और यहां पे अगर x माइनस वन होता यानी कि माइनस साइन है तो फिर ये इसमें दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो उस केस में आपको कैसे लिखना होता है कि 2x हमने कॉमन निकाला यानी कि डिनोमिनेटर को एक बार लिखा, x प्लस वन ऊपर है इसलिए मैंने x प्लस वन लिखा, माइनस साइन लिखा, अब इसको आपको ब्रैकेट में करना है और उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा और ये वन का माइनस का प्लस होगा। यानी आपको याद रखना है कि जब भी एलसीएम लेते हैं उसके बाद आपको ऊपर देखना है कि माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज होना चाहिए। तो यहां पे साइन चेंज तो हुआ ही है, 2x अभी प्लस में है, ये माइनस तो अलग है, 2x पॉजिटिव है, आप अगर इतना देखो तो 2x पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि हमने भी साइन तो चेंज किया ही है, ठीक है। पर अगर आपको ऐसे दो टर्म्स दिए होते तो माइनस साइन पहले आप ब्रैकेट करके लिख दो, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आप फिर साइन सिर्फ इसका चेंज करो, x का तो ऑटोमेटिक चेंज माइनस में हो जाएगा। बीच बीच में जो भी मुझे लगेगा आपको समझाने जैसा है, आपके काम का है, वो हम जरूर स्टडी करेंगे। चलो इसमें देखते हैं अभी आगे। अब इसमें देखो मैं माइनस टू एक्स को मिडल टर्म बनाऊंगा यानी कि एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म बनाऊंगा, माइनस टू एक्स को मिडल टर्म बनाऊंगा, वन को लास्ट टर्म बनाऊंगा। इसका मतलब क्या देखो समझते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर पहले लिखना है क्योंकि हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसमें स्क्वायर पहले होता है, पावर ज्यादा है ना, उसके बाद पावर कम माइनस टू एक्स में है, तो इसमें माइनस टू एक्स हम यहां लिखेंगे, फिर प्लस वन, वन इज पॉजिटिव सो प्लस वन, इस तरह से मैंने बनाया। अब यहां पे भी देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा। एक चीज आपको बोलना भूल गया मैं कि हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर ये, इसका डिनोमिनेटर ये, यानी ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसल करना है और हो जाता है। अगर न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर दोनों सेम होते तो ये भी कैंसल हो जाते, पर सेम नहीं है, साइन का चेंज है, इसलिए डिनोमिनेटर्स को हमने कैंसल आउट कर दिया। अब वहां पे मैं डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगा, तो देखो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, प्लस टू एक्स बाद में लिखूंगा, प्लस वन उसके बाद लिखूंगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो है ये एक फॉर्मूला के हिसाब से एक वैल्यू बनती है क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारे ऐसे हैं, मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। फॉर्मूला आपको याद होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। अब अगर आप a की वैल्यू x लेते हैं और b की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। a के बदले x यानी x माइनस का साइन तो माइनस, b की वैल्यू 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, a की वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए इज एक्स और बी है 1
प्लस वन स्क्वायर, इसका क्या बनता है आंसर कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सो 2x इंटू वन विल बी 2x प्लस वन स्क्वायर यानी प्लस वन, तो ये जो बना वो सेम आपको यहां दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन के बदले हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। और उसी तरह से अगर मैं यहां प्लस रखता हूं तो यहां भी प्लस साइन आती है, वैल्यूज पुट करने पे यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यानी कि अगर यहां प्लस है तो फिर प्लस के लिए प्लस बना के आपको लिखना है। तो हम ऐसा ही करेंगे, प्लस है इसलिए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिखूंगा, और अभी इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर्स को हम यहां कॉमन में लेके आ सकते हैं, कॉमन में स्क्वायर आएगा तो हम देखते हैं क्या आएगा। तो लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी एक फॉर्मूला के अगर लॉग एक्स रेस टू एम होता है तो एम पहले लिखते हैं और लॉग एक्स बाद में लिखते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे रखेंगे, ऐसा मान के कि ये पूरा ब्रैकेट क्या है एक्स और एम क्या है यहां पे टू, ऐसा हम मानेंगे। तो होगा क्या, टू आगे आ जाएगा, तो मैं चलो यही करता हूं, टू को आगे लिख देता हूं और लॉग ब्रैकेट लिखूंगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये जो है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, देखो लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू देखो क्या है एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहां लिख दूंगा कि टू इंटू एफ ऑफ एक्स, और यही आपको आरएचएस में चाहिए। Therefore, LHS equals to RHS. Hence, we have proved. Sum बहुत important है, ध्यान से देखना, और exam से पहले ये जो भी मेरे lectures हैं इस chapter के, वो सभी आप study करके जाना, उसमें से sum आ सकता है, ठीक है? Okay? और ये videos के बाद मैं इनका आपके जो paper solutions है, जो four papers मैंने जैसे differentiation के बनाए हैं, उसी तरह से function के भी four papers मैं solve करूँगा। तो प्लीज सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन आप प्रेस रखिए जिससे जैसे न्यू वीडियो मैं बनाता हूं अपलोड करता हूं आपको मिल जाए और आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।